हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन आवर डेल्टा होम। बच्चों आज हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री, जो अपना चैप्टर लास्ट इसमें हम देखा था केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हमने पढ़ाई की थी। आज हमें यहाँ पे देखना है ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। तो यहाँ पे जो कोई भी रिएक्शन रहती, वो रिएक्शन में अगर कोई फैक्टर अगर चेंज हो जाए, ठीक है, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स एक्स्ट्रा, तो उसके कारण उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो चेंज होंगी। ठीक है, इक्विलिब्रियम उसका इक्विलिब्रियम जो है वो चेंज हो जाएंगे उसका, कोई रिएक्शन का या सिस्टम का कोई भी। तो इन्होंने ये बताया चैटलर ने कि वो सिस्टम में या रिएक्शन में एक ऐसी एनर्जी रहेंगी जो वो इक्विलिब्रियम को अपने आप एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे कि ये वही बताया डेफिनेशन में, वही हमने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन ए सिस्टम एट इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू ए चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर, दिस फैक्टर आर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन, एनी वन, जो फैक्टर क्या करते हैं डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द सिस्टम, जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल रहते हैं फॉर द इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, वो अगर फैक्टर अगर चेंज होते हैं तो देन सिस्टम विल बी रिस्पॉन्ड इन सच ए वे एज टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ दैट चेंज, यानी सिस्टम या दैट रिएक्शन अपने आप ही रिस्पॉन्ड करती है वो, कि जो चेंज हो रहा है वो चेंज ना हो या फिर वो चेंज मिनिमाइज रहे। ठीक है, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन बरकरार रहे। ठीक है, तो ये ली चैटेलियर प्रिंसिपल का कहना था। जैसे कि सिस्टम किस प्रकार से वो एडजस्ट हो जाती है, जैसे कि हम यहाँ पे दो कंटेनर लेते हैं लाइक दिस, एक जनरल एग्जांपल, यहाँ हम इसे ज्वाइन कर लेते एक पाइप से, देन फिल्ड विद दिस बाय सम लिक्विड और एनी वाटर, ओके अप टू दिस। तो यहाँ पे हम वाटर डालेंगे, तो पहले यहाँ तक भरेंगे, देन वाटर इज पास थ्रू दिस पाइप एंड इट विल फिल अनदर बीकर ऑल्सो या कंटेनर, ओके। तो जब तक कि यहाँ से पानी हम डालते रहेंगे, ठीक है, इसको हम पानी ऐसे डालते रहेंगे, तो ये यहाँ से इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पे इतना भरेंगे तो ये भी उतना ही भरेंगे, यानी लेवल विल बी बैलेंस्ड। अगर हम एक्स्ट्रा वाटर यहाँ पे इंसर्ट करते हैं इन दिस बीकर फर्स्ट, तो क्या होगा, इसमें लेवल बढ़ेंगे और वो फिर यहाँ से इधर में जाएंगे, यानी फिर कब तक जाएंगे, जब तक कि फिर से और इक्विलिब्रियम, ठीक है, लेवल इक्वल ना हो जाए, दैट इज द इक्विलिब्रियम दिस कंटेनर या दिस सिस्टम, ओके लेवल। तो क्या किया हमने, ज़बरदस्ती से इधर पानी डाला गया, नहीं, वो क्या हुआ अपने आप एडजस्ट हो गया। ठीक है, और एक एग्जाम्पल लेते, जैसे कि एक बीकर में या एक सिलेंडर में हमने हाइड्रोजन एंड द नाइट्रोजन ये हम रख लिए, ठीक है, इसके थ्री मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एंड देन दिस गिव्स द NH3, ठीक है, दिस पिस्टन रखा हमने। ठीक है, इस प्रकार से अगर यहाँ पे ये दोनों कंबाइन होते जाएंगे और क्या फॉर्म होते जाएगा NH, ठीक है, 3। तो अगर हम यहाँ पे कोई फैक्टर बढ़ाएंगे, जैसे प्रेशर बढ़ाया, तो प्रेशर बढ़ाया तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है ये क्या ज़्यादा कंबाइन हो जाएंगे, और ज़्यादा क्या फॉर्म होंगे हो जाएंगे होंगे इसमें अमोनिया, अमोनिया के मॉलिक्यूल ज़्यादा फॉर्म होंगे, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन प्रेशर ज़्यादा दिया तो क्या वो ज़्यादा कंबाइन हो जाएंगे, यानी बैलेंस करेंगे। दूसरी चीज़ ये रहती है कि इक्विलिब्रियम बैलेंस करने के लिए या तो फिर जो फॉर्म हुए एक्स्ट्रा के फॉर्मेशन में, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुए प्रोडक्ट को बाहर निकाल लो। ठीक है, जैसे कि अभी मानो ये जो कंटेनर है ये पैक रहता, एक ही कंटेनर है, और हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन समझो यहाँ तक के भरना है, और फिर से हम पानी एक्स्ट्रा डाल रहे हैं, तो क्या होगा लेवल बढ़ेंगी। अगर हमें इतनी लेवल करनी है तो क्या करना पड़ेगा, जो नीचे के जो ऑलरेडी वाटर है या जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसे क्या करेंगे हम बाहर निकाल लेंगे, एक दूसरी प्रोसीजर, लेकिन ये वाली हमें नहीं करना है, जो अपने आप बैलेंस होता है इक्विलिब्रियम वो ली चैटलर ने बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी है जिस, यानी जो फैक्टर है ये फैक्टर फिर किस प्रकार से एक्ट करता है, ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द सिस्टम बैलेंस करने के लिए, तो वो हमें अभी और देखना है। तो बच्चों अभी देखते हैं हम इम्बलेंसिंग फैक्टर ऑफ ली चैटेलियर प्रिंसिपल, अफेक्टिंग फैक्टर्स
दैट इज ऑल्सो गॉट डैट इफेक्ट ऑफ सम फैक्टर्स ऑन द इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में कौन से फैक्टर का इफेक्ट होता है तो वो हमें पढ़ना है। जैसे कि हमने चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन यानी इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जनरली, तो रिएक्टेंट जैसे भी यहाँ पे हमने एक रिएक्शन लिखी कि एन टू प्लस थ्री एच टू ओ एच टू हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो कंबाइन करेंगे दैट गिव द अमोनिया ओके अलॉन्ग विथ हीट। अभी यहाँ पे हीट बाहर निकल रही इवॉल्व हो रही मतलब दिस इज द एक्जोथर्मिक रिएक्शन ओके एक्जोथर्मिक रिएक्शन एंड डेल्टा एच इज निगेटिव हियर ठीक है। एक्जोथर्मिक के लिए और एंडोथर्मिक के लिए हीट जो है वो क्या होती है कंज्यूम होती है एब्जॉर्ब होती है ठीक है और उस टाइम में डेल्टा एच पॉजिटिव रहता है ये याद रखना है हमें। अभी यहाँ पे हमें क्या देखना है देखो कॉन्सेंट्रेशन जो है जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमने बढ़ा दिया इसका मतलब रिएक्टेंट में जो भी गैसेस है या जो भी रिएक्टेंट से जो भी कंपाउंड से उसको हम बढ़ाना है उसका मोल्स बढ़ाना है तो यार एक्सेस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन और बोथ ठीक है। तो उस टाइम में क्या होगा कि ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा बढ़ेगा या फिर लिखा हमने दैट रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीजेस ओके। तो उस टाइम में क्या होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम ऑफ दिस रिएक्शन क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएंगे यानी उसमें कुछ चेंजेस आएंगे ठीक है वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा यानी उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन जो है वो चेंजेस आएंगे उसमें ओके। तो उस टाइम में इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए बाय यूजिंग बाय प्रिंसिपल ऑफ दिस लिचाटियर ओके लिचाटियर प्रिंसिपल के हिसाब से इक्विलिब्रियम उन्हें अचीव करना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं सिस्टम कि ये जो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट होता है टू द लेस नंबर ऑफ जहाँ पे लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया मतलब ये मॉलिक्यूल्स हमने बढ़ा दिया हाइड्रोजन ज़्यादा लिया एक्सेस लिया या फिर नाइट्रोजन एक्सेस लिया या दोनों एक्सेस लिए मतलब इस साइड में क्या हुआ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए और इस साइड में मॉलिक्यूल फिर बढ़ने के हैं बराबर है यानी इसमें लेस रहेगा ठीक है। अभी यहाँ पे वो कम ठीक है ये जैसे बैलेंसिंग के लिए टू लिखना है भाई। तो इस प्रकार से इधर इस साइड में प्रोडक्ट में कम रहेगा तो फिर अपना इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्टेड टूवर्ड द लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस साइड में रहता है एंड दैट इज राइट साइड इस साइड में राइट साइड में अपना इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट शिफ्ट होगा और तब तक कि शिफ्ट रहेगा जब तक कि फिर से और बैलेंस ना हो जाए ठीक है। और जब बैलेंस हो जाएगा तो दैट इज अ इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो इसको इक्विलिब्रियम बैलेंस रखने के लिए इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टूवर्ड्स ऑटोमेटिकली राइट साइड फॉर दिस ओके। और यहाँ पे केसी डज नॉट चेंजेस क्योंकि हर एक इसमें हर एक का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऑलरेडी रहता है दैट इज क्यू सी ठीक है कोशेंट कॉन्सेंट्रेशन जो है। तो ये वाला रेशियो जो है ये वाला ये दैट इज के सी इक्वल्स टू क्यू सी ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट डज नॉट अफेक्ट उसमें कोई चेंज नहीं होता इक्विलिब्रियम कंडीशन में चेंज होता है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ प्रेशर अभी यहाँ पे वही रिएक्शन हम लेते हैं फिर से और ठीक है अगेन दिस इज टू ट्वाइस फॉर बैलेंसिंग। तो यहाँ पे भी दिस इज द एक्जोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा इज नेगेटिव हीट इज इवॉल्व्ड। तो यहाँ पर अगर हम प्रेशर ऐड करते हैं यानी प्रेशर इंक्रीज करते ठीक है तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे पास मास में ज़्यादा प्रेशर कंप्रेस हो जाएंगे और पास मास में आएंगे ठीक है। और यहाँ पे स्पीडली अमोनिया फॉर्म करेंगे ठीक है यानी ये मॉलिक्यूल कंबाइन होते जाएंगे कंज्यूम होते जाएंगे और अमोनिया फास्ट फॉर्म हो जाएगा यानी यहाँ पे फिर इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। अभी ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन साइड में डिक्रीज होंगे इसमें ये साइड में ठीक है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जब इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स डिक्रीजेस उस साइड में इस साइड में कंबाइन होंगे क्योंकि प्रेशर के कारण वो फास्ट रिएक्शन करेंगे और इधर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन हाइड्रोजन के कम हो जाएंगे इधर में ज़्यादा होंगे ड्यू टू द प्रेशर इंक्रीजेस ओके। इसका मतलब फिर जो इक्विलिब्रियम जो है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है अपना टूवर्ड द लेफ्ट इस साइड में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉर बैलेंसिंग द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द सिस्टम और रिएक्शन ओके इस प्रकार से। और हमें पता है बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन जनरल गैस इक्वेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ बॉयसला एंड चार्लीला और बॉयसला का कॉम्बिनेशन जो उसमें आते हैं तो आइडियल गैस इक्वेशन इस प्रकार से तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी ओके आर एच इनिशियल गैस कॉन्स्टेंट टी टेम्परेचर पी प्रेशर वी वॉल्यूम एनी नंबर ऑफ मोल्स। तो पी के लिए हम इसको डिराइव करेंगे तो वी डिवाइड में जाएंगे लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर आर एंड टी आर कॉन्स्टेंट लेंगे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और आर तो हमेशा इनिशियल कॉन्स्टेंट है तो उस टाइम में पी इज प्रोपोर्शन टू एन बाई वी।
नंबर ऑफ मोल्स अकॉर्डिंग टू सिस्टम वो भी कॉन्स्टेंट पर लेंगे तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग में रहेगा, दैट इज हमेशा प्रेशर इज, ठीक है, बॉस लॉ के सबसे बोल सकते हो, प्रेशर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो इस प्रकार से वॉल्यूम के लिए अगर हम देखेंगे तो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम क्या रहेगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ये कंडीशन रहेंगी, ठीक है, ओके, और प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये कंडीशन रहेंगी, और जस्ट टाइम में प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये कंडीशन जो है इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड द लेफ्ट इफ प्रेशर इज इंक्रीजेस और वॉल्यूम इज डिक्रीजेस, ओके, ये वॉल्यूम और प्रेशर के लिए हम एक साथ ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, ओके। यहाँ पर हमें प्रेशर का जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर में और एक बात हमें समझ लेनी है कि जैसे भी एक रिएक्शन जो है, ठीक है, तो यहाँ पे ये टूनर रहेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन के हमें मिल गया क्या, अमोनिया। तो नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने, एक और यहाँ पे थ्री, दैट इज फोर, एंड हियर नंबर ऑफ मोल्स आर ओनली टू, ठीक है, और ये रिएक्शन एक और है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स एक है और एक है, दैट इज टू, ठीक है, और इस साइड में दिस इज ऑल्सो टेजिमेट्रिक कोएफिशिएंट से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, दैट इज टू। तो यहाँ पे एक और एक बात हमें यहाँ पे समझ लेना है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है, ठीक है, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं उसको, तो ये अगर डिफरेंट है तो उस टाइम में प्रेशर कैन बी अफेक्टेड, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर इफेक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, दिस प्रेशर विल बी अफेक्टेड। अगर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम है देन प्रेशर डज नॉट अफेक्टेड, ओके, ये याद रखना है, अगर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में उस टाइम में प्रेशर का कोई इफेक्ट उसमें इक्विलिब्रियम में होगा नहीं, और अगर इस प्रकार से नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है दोनों साइड में देन प्रेशर का इफेक्ट होगा ऑन द इक्विलिब्रियम, ओके। तो नेक्स्ट है फिर थर्ड वाला, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमने एक रिएक्शन ली, कार्बन ऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन कंबाइन वी गेट दिस मिथिल अल्कोहल, ओके, तो अलॉन्ग विथ हीट, तो यहाँ पे हीट इवॉल्व हुई, मतलब दिस इज एक्जोथर्मिक, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है वो कौन सी रिएक्शन है, दिस इज एक्जोथर्मिक, और रिवर्स डायरेक्शन में अगर जाएंगे तो एंडोथर्मिक, ओके, क्योंकि फॉरवर्ड में हीट बाहर निकल रही यानी इवॉल्व हो रही, ठीक है, एंड दैट मीन्स डेल्टा इज क्या निगेटिव रहेगा, इवॉल्व होती उस टाइम में इतना हिस्सा, ठीक है, और जब रिवर्स में करेंगे तो दिस, ठीक है, मिथिल अल्कोहल प्लस हीट वी गेट कार्बन ऑक्साइड एंड द हाइड्रोजन, तो एंडोथर्मिक उस टाइम में हीट क्या हुई, कंज्यूम हो रही है उसमें, तो इस प्रकार से। तो इसमें अगर टेम्परेचर अगर हम ये वाली अभी एक्जोथर्मिक डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन कंसिडर करते हैं और टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है रिएक्शन में, ठीक है, अलॉन्ग द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो अगर इंक्रीज कर रहे हैं हम टेम्परेचर, ठीक है, फॉर एक्जोथर्मिक के लिए, ठीक है, तो इक्लियर यहाँ पे देखो टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे तो ऑलरेडी रिएक्शन भी क्या कर रही, हीट इवॉल्व कर रही, बाहर निकल रही हीट, और फिर से हम और हीट उसको सप्लाई करेंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हीट ऑलरेडी उसको चाहिए नहीं, हीट और कम करना है रिएक्शन को, और हम हीट और दे रहे, मतलब टेम्परेचर और उसका बढ़ा रहे, तो क्या होगा, रिएक्शन स्लो हो जाएंगी, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और इसका कॉन्सेंट्रेशन घटेगा, यानी कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ेगा, रिएक्टेंट का, ठीक है, कार्बन ऑक्साइड और, क्योंकि रिएक्शन जिस स्पीड से चल रही है तो स्पीड उसकी कम हो जाएगी टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इसका मतलब यह इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या बढ़ेगा, तो उस टाइम में इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, यानी दिस लेफ्ट साइड में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉर एक्जोथर्मिक रिएक्शन इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस, ठीक है, देन दिस इक्विलिब्रियम शिफ्टेड टुवर्ड द लेफ्ट, ठीक है, दैट इज टुवर्ड द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन साइड, ओके। अगर ये एक्जोथर्मिक है, ठीक है, तो उस टाइम में एक देख सकते हैं, अगर ये टेम्परेचर हम एक्जोथर्मिक के लिए टेम्परेचर जो इंक्रीज कर रहे तो क्या होगा उसका, एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा उसका उल्टा होगा, उस टाइम में टेम्परेचर अगर एंडोथर्मिक के लिए हम एंडोथर्मिक क्या होता है, रिएक्शन ऑलरेडी हीट लेती है और हम हीट यानी टेम्परेचर उसको टेम्परेचर वो, ठीक है, अब कंज्यूम कर रहा है और टेम्परेचर और हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, मतलब और अच्छी बात है रिएक्शन के लिए, यानी रिएक्शन क्या होंगी, फास्ट होंगी,
ठीक है, तो उस टाइम में जो इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्टेड टूवर्ड द राइट में आ जाएगा, ठीक है, जो भी है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे समझ लेना, एक 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 तरीके से आप ये वाला इसमें समझेंगे, ठीक है। और एक दूसरी बात है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फार्मूला है, हमें लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस, इस प्रकार से लिख लिया हमने। तो यहाँ पे देखो, अभी फॉर एक्जोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो उस टाइम इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, ये लो हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और इसका क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो अभी ये डिक्रीज यानी छोटा अमाउंट, और इंक्रीज बड़ा अमाउंट, यानी केसी की वैल्यू क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, ओके। डिनोटर बढ़ रहा है तो इसका बस इसका मतलब केसी इज डिक्रीजेस इफ टेम्परेचर इज इंक्रीजेस फॉर एक्जोथर्मिक के लिए, और एंडोथर्मिक के लिए उल्टा हो जाएगा। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो केसी विल भी इंक्रीजेस हो जाएगा, क्योंकि इधर का कॉन्सेंट्रेशन बाद में बढ़ेगा, ठीक है, जो भी इस, ठीक है, क्योंकि ना ये रिएक्शन फास्ट हो जाएंगे, तो इधर का कॉन्सेंट्रेशन जो है प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है फॉर एंडोथर्मिक के लिए। एंडोथर्मिक के लिए किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, प्रोडक्ट के लिए, यानी जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टूवर्ड द राइट में शिफ्ट होता है, ठीक है। तो उस टाइम में केसी क्या होगा, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे फॉर एंडोथर्मिक के लिए, दिस इज फॉर किसके लिए, एक्जो के लिए, हमें दिस इज एक्जो थर्मिक रिएक्शन याद रखना। और एंडोथर्मिक के लिए इसका पूरा उल्टा हो जाएगा, एंडोथर्मिक के लिए केसी विल भी इंक्रीजेस, ओके, इस प्रकार से। और एक बात यहाँ पे चौथी फोर्थ पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट में क्या होता है, उसका इफेक्ट जो है वो कुछ आता नहीं ज़्यादा, मतलब वो इफेक्ट करता ही नहीं इक्विलिब्रियम को। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, तो कैटलिस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर एक रिएक्शन दो दो दिन लगा रही है, उसको हमें 4 घंटा में करना है, 2 घंटे में करना है, तो एक पर्टिकुलर यूजफुल कैटलिस्ट लेंगे और रिएक्शन का रेट हम बढ़ा देंगे, तुरंत रिएक्शन कर लेंगे, ओके। तो फिर कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के लिए, तो उसका कोई इफेक्ट इसमें इक्विलिब्रियम में आएगा नहीं, कैटलिस्ट का जो है वो यूज टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, और इसका इक्विलिब्रियम पे कोई, ठीक है, कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पे नहीं होता मतलब केसी पे तो बिल्कुल ही नहीं होगा इफेक्ट, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में उसका इफेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस आल्सो डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम, ऑलरेडी वो तो इनर्ट गैस रहती है, डज नॉट रिएक्ट विदाउट एक्टिविटी वाले जो गैसेस है वो वाले इनर्ट गैसेस, तो वो तो डज नॉट अफेक्ट। तो इस प्रकार से कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन और सिस्टम, ओके। तो इस प्रकार से था ये फोर्थ पॉइंट अपना। अभी यहाँ पे इस प्रकार से हम समझ गए कि जो भी चार्ट, ये चार्ट के हिसाब से मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, कि जब हम कॉन्सेंट्रेशन, जब कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड भी इक्विलिब्रियम पे चेंज होता है, इक्विलिब्रियम ऑफ रिएक्शन विल भी चेंजेस ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन, बट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी डज नॉट अफेक्ट, ठीक है, नो चेंज इन केसी। प्रेशर के लिए इक्विलिब्रियम इज चेंजेस बट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अगर डिफरेंट है तो प्रेशर का इफेक्ट होगा किस पे, इक्विलिब्रियम पे, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट अफेक्ट बाय प्रेशर। और नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड में सेम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, उस टाइम में प्रेशर इक्विलिब्रियम में भी अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और तीसरा टेम्परेचर था, टेम्परेचर में क्या होता है कि दोनों चेंज होते हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी चेंज होता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी चेंजेस आते हैं। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज, नो चेंज इन इक्विलिब्रियम एंड नो चेंज इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, ओके। तो बच्चों इस प्रकार से ये चार्टलियर्स प्रिंसिपल का पूरा हमने एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है, तो इसे अच्छे तरह से देखना है और रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नेवर सक्सेस विदाउट रिविजन हम बोल सकते हैं यहाँ पे, जितनी ज़्यादा इफ मोर रिविजन मोर सक्सेस, ठीक है। तो
तो रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इन द केस ऑफ स्टडी एंड एग्जामिनेशंस। ओके, जितनी ज़्यादा रिवीजन हो उतना आपको एग्जाम के टाइम पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, उतना आपका टाइम वो बच जाता है। मतलब रिवीजन करेंगे तो हमें तुरंत वो याद आते जाता है, ठीक है। जितना रिवीजन ज़्यादा हो उतना बेनिफिशियल और सक्सेस इन एग्जाम एंड योर मार्क्स इन एग्जाम्स। ओके, तो हम आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।